श्री राम दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह मम्मी सिल रही थी एक राजस्थानी सॉन्ग को फरा रही। फिर कर लियो कर ले, राजस्थान जाना पड़ेगा। चल पड़ा राजस्थान सॉन्ग को फराया, इसे पहले राजस्थान भी घूम लेंगे। सही कर लूंगी, इतना तो नहीं रही। अंजीर क्यों है माँ? अंजीर तो मेरा फट गया था छत पे चढ़ते हुए, तो मम्मी अभी इसको सील रही है। इसे ना तो ऐसा सीम दूंगी, इस दिन मैं यू पाटे दे वाड़ काट दे नहीं पाटेगा, सारों को पाटे काट दे नहीं पाटेगा। मैं तो ये काम करिया करूं। ऐसा सीम मूंगी कड़ी तभी पाटा, लेकिन आटे नहीं पाटेगा। फिर इन्हें दर्द दूंगी तेरी अलमारी में। ए सुनो, पेपर पुपर छोड़ो, चलो हिमाचल चल लेंगे। ना मेरा पट्टा पागल पेपर पे का देख लेके आ रहा। डिप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं उठ चुकी हूँ एंड मैं 75.40 करने की सोच रही थी। अगर मैं टाइम से उठ जाऊँ तो वही बहुत बड़ा चैलेंज है। आना मम्मी उठ ले जब तो तेरी पथरी भी निकलेगी। तो मम्मी को मेरी सिर्फ पथरी की टेंशन रहती है एंड मैं दवाई भी ले जाई थी, मैं दवाई भी मेरा नहीं अंधे कड़े गई थी। तो पहला चैलेंज तो मेरे लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज है कि टाइम से सो जाओ और टाइम से उठ जाओ। एक तो मेरा नहीं के यू मतलब रील देख लो और 10 मिनट की सोचा है, रात के 3 बज जाए मेरा नहीं पढ़ता करती मुझे। और तो बीच में भी मैंने एक बार डाला था कि तब तो मैंने 21 दिन का डाला था, उसमें मैं फेल हो गई थी। राडा मम्मी सिमल लाग जरा वहां बीमार हो रही, बीमारी का घर। सेम दिया रही, इनकी ड्रैकलिंग क्रैक लानी थी, नहीं है के बड़ा के लग गया यू इतने महंगी बाकी पैंट का ड्रैकलिंग हो जाएगा ना साफ। जर है शायद इस पर लग रहा, यू देख के बड़ा के लग गया के बड़ा के है यू। भाई एक नई ब्लॉगर जिसके बाल देख लेता हम। तो चलो साफ सफाई करते हैं एंड पहला नहा धो ले मैं हनी री और यू हमारा ड्राइंग रूम। हाउ कैन आई, एक तो हम लड़की होगी जो कर ये छोरे तो है जो कर इनके के बूब्स हो हैं उरे तो रस्सी गुद दे आना चढ़ दे आना हनी री ओ जब तो के दिक्कत हो जाए जमा। तो लड़कियों के लिए बहुत हार्ड है, छोरा खातर इतना हार्ड को नहीं। और वो छोरे तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हुआ, मैन हुआ, मैन में एक अलग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ हुआ है।
तो चलो जिस हमारा वर्कआउट हो सकेगा हम उसे करेंगे, जो हमारा योगा होगा जरूरी है उसकी फीस लेनी। मैंने 30 डे चैलेंज तो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, एक महीना हो गया मेरे को प्रॉपर। और जो भगवत गीता में भी संस्कृत आई, संस्कृत 7वीं 8वीं में पढ़ी थी, भूल गए। नहीं हिंदी भी है उसमें। तने पढ़ ली? हाँ हिंदी है, मैंने पूरी हिंदी में पढ़ी है, पूरी पढ़ ली, 2-3 बार पढ़ ली मैंने गीता, एक बार नहीं। मस्त है। एक बात दिशी, मम्मी ने गाड़ी पर लौट तो ले हो। सो गाइस अभी मैं छत पे वीडियोस बना रही थी और देखो कितने पसीने पसीने आ गए, 2 वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। प्रैक्टिस से छूट गई ना मेरी डांस वगैरह की, तो ये भी तभी अच्छा लगता है जब प्रैक्टिस बनी रहे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। और पसीने देखो कैसे लपतर तपर तपर आ रहे हैं, खून पसीने की मेहनत। तो चलो लाइक कर दिया करो यार, काफ़ी मेहनत लगती है। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, पसीने सुखाऊंगी, फिर 2 बोतल पानी की ख़त्म करूँगी, फिर जल्दी हम 75 हार्ट चैलेंज करेंगे, ये सब करेंगे। यहाँ से उतरूँगी क्योंकि कोई सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी है भी तो नीचे है, और मैं मम्मी को तंग नहीं करना चाहती। एंड ये हमारे सामने पड़ोसी जो मैं घूर घूर के देख रहे थे, अभी दोनों लड़ाई कर रही हैं। सीरीज वो कह रही है दारू की बोतल छोड़ो डीडम बिगड़म। सो या चलो नीचे उतरते हैं फटाफट, जा रहे हैं पानी पर थोड़ा बहुत सामान लेने और वैक्सिंग कराने टांगों की, जंगल जम चुका है एंड खिजलियाँ उड़ रही हैं, और फिर वीडियोस वगैरह बनानी थी तो करानी पड़ेगी, और गर्मी भी बहुत है, और पता नहीं यार मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर गुमड़ा सा भी हो गया तो हाँ। और एक मेरे को लाइट भी चाहिए जिसमें से कलरफुल लाइट आती है रंग बिरंगी वीडियोस बनाने के लिए, और एक मैं एक रिंग लाइट या फिर एक बड़ी लाइट लाने की सोच रही थी जिससे धमाकेदार रोशनी हो फॉर वीडियो पर्पस। तो अब 6:30 हो गए हैं, मम्मी ने दाल रोटी बना दी है, पायल की तबीयत ख़राब है, और कल मैं जाऊँगी मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास दिल्ली से, मैं उसके लिए एक जीन्स और एक टी शर्ट ले आई थी उसको लेने के लिए। तो चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और हम जाएंगे एक्टिवा पे। ऑब्वियस बात, अब तो हमारी एक्टिवा आ गई, अब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जा रही हूँ ये 6,000 के जूते पहन के जिन पे मैंने 600 गालियां गाई थी, ये कच्चा पायल का है, इसको आया नहीं तो ये मैंने पहन लिया, ये मेरी जॉकी की टी शर्ट है। तो चलो चलते हैं, ऐसे मैं पहली बार जा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर, इसी दो बड़कन छोड़ता है, और उसकी छोरी का भी बीमारी थी, बैर का खा कर दी, लीवर खत्म, गुर्दे खत्म, बैर के खान में ये इतना लेक्चर जाएगी। कल तू लेकर गई थी इसने पानीपत, तू लेकर गई इसने, खुद बताई एक तो काम पड़वानी थी, काम पड़वानी थी बस, फिर तू लेकर गई तो खाया। अरे कोर ना न्यू थोड़ी खाना जी, लेट दंदी बना लेकर जावा, मैं तो न्यू गई थी, कड़े तो पिंगली हो रही, कड़े तो काली, कड़े तो पीली, न्यू गई थी, ओठ इसके तो ओले हो रहे। एक तो और राजेंद्र भी न्यू बोलिया, जिसका सामान लेने गए बोलिया छोरी बीमार पड़ी है, सारे रंग बीमार रे काली नहीं, और टीवी बना, टीवी तो गुर्दे खत्म होगा, टीवी का तो इलाज भी धरती पे कैंसर होगा टीवी समझी। और इस करका मैं तुम्हें सोचो थे चांदने लाग रहा, मैं तुम सलिया कूड़े धर लूंगी, चाड़ा धर लूंगी मंदिर का एक पेड़ा, तुम सर गमला लेने की सोचो थी,
फिर मैं बाबा की तस्वीर ले आऊंगी शिव जी भगवान की, फिर वह ले आऊंगी दिवाली का शिव जी भगवान की। और अपने ब्याह तक जिंदगी में किसी को भगवान कभी दान नहीं करना, कोई भी भगवान हो कुछ बात ऐसी हो जिंदगी में भगवान कभी किसी को नहीं देना कभी भी, चाहे कोई माता हो चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे कुछ हो, सब दान करो लेकिन भगवान का दान कभी मत करो। उसकी जगह मंदिर है, सिर्फ मंदिर रखो नहीं है, ये करेगी उठ ले मैं और बड़े गाताली नकली का ले रही काम बना नहीं था बना तेरे कौन ही बनता फिर ना पानी पींदी तू अच्छे काम कर रही है जो से नुकरण पर मजूर बूर करा है वो डेली चलता है कौन है का नुकर दे अब हम जा रहे हैं पानीपत और मैं दिल्ली सरोजनी मार्केट से मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ चीज़ लेके आई थी, तो जीन्स थी और एक टॉप था और इसके लिए नाइट सूट लेके आई थी और एक क्रॉप टॉप लेके आई थी। तो ऐसे क्यों आ रही है उड़ी उड़ी, अब ठीक है शायद उसने स्क्रीन गार्ड चेंज करा के आऊँगी, ऐसे क्यों हो रहा है ये है ना। और अब हेलमेट लगाऊंगी, हेलमेट की मुझे आदत हो चुकी है, अब बिना हेलमेट के मेरा मन भी नहीं करता जाने का और मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेवा हो रही है, अच्छा अच्छा जूस मिल रहा है, अच्छी अच्छी सेव मिल रही है और ये घुमड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ है ये देखो यहाँ पे है। और एक सूट है मेरा ब्राउन कलर का, तो वो सूट सूट है तो उसके मैचिंग की एक पजामी और एक दुपट्टा लेके आना है और एक चंगीर क्या था वो अंजीर लेके आना है, किशमिश मैं सुबह ले आई। बहुत जल्द हम 75 आवर चैलेंज करेंगे एंड यस हम करेंगे लेकिन अपने अंदाज से करेंगे जो हमारी औकात में होगा, मतलब जो एक ऐसा लड़की कर सकती है। तो चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और घर में एक नई व्लॉगर आई है इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और ये मैं इसको दिखाती हूँ ये मुझे दिखाती है ठीक है। तो आप लोगों को अगर मेरी पर्सनैलिटी देखनी है तो आप इसके व्लॉग्स में देखो, ओरिजिनल तो ओरिजिनलिटी तो इसके उसमें दिखती है। और कल मैं लगवा के आई थी अपने आईफोन को गार्ड लैमिनेशन, कोई हो तो दोबारा लगा देगा, मैं बोल दूंगी उसको कि ऐसे ऐसे ब्लरिश आ रहा है ये। हाँ तो ये शायद थोड़ा सा वैसा हो रखा है, कितनी गर्मी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कल भी मतलब जब मैं आई थी उससे अगले दिन मैंने साफ़ सफाई की और आज भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है, दो रूम थे वो साफ़ सफाई की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर निकालनी है जो वेस्ट है, और जो हमारी पुरानी रसोई थी उसको हम सोच रहे थे कि उसको स्टोर बना ले तो बहुत बकवास कर ली। तो चलो अब फटाफट चलते हैं, आ गए थे और फिर मैं लेके आई हूँ ये 400 रुपये की अंजीर, दिखाती हूँ आप लोगों को ये देखो ये 400 रुपये की है सिर्फ, ये ओनली 400 रुपीज। तो इसको भिगो के खाना है और इसका पानी भी पीना है और किशमिश भी लेके आई थी मैं, हमारा कैंटीन का सामान जो लेके आई थी मैं, 250 रुपये की चमचम लेके आई थी बिल्कुल ताजी, इसको फ्रिज में रख के आते हैं। तो मम्मी कुछ सील रही है, क्या कर रही है यू? ये तो कैस के फंदे बांध, ये तो बांध दी एक साइड के, ये देख एक साइड के तो बांध दी पूरे। तो मम्मी इतनी वेली है कैसे ले आई, बांध दी इसका ढक्कन टूट चुका है ये वाला और ये बर्फ कुछ ऐसा जम चुकी है और इसमें रख दी हमने चमचम। और मम्मी ने अभी तक ठीक नहीं कराया, मैंने इतनी बार बोल लिया है। और हमारे फ्रिज में क्या क्या है, कचौरी है, नींबू है, एक टमाटर है, कीवी है, दूध है, दही है, मिर्च है, तली हुई चॉकलेट्स हैं, सारा दिन यही देखती रहती है पड़ी पड़ी। और आज मैंने इसके रूम में साफ सफाई की, कैसा लग रहा है, हाउ यू फील? यू फील हल्का हल्का इन योर रूम? यस। पता नहीं कैसे पड़ जाते हैं यार, मेरे को तो गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसका ये रूम में से एक तो हमें ये टेबल और टीवी निकालना है, ये बेड निकालना है क्योंकि बेड पे कोई सोता ही नहीं है, सिर्फ खाट पे ही सोते हैं हम। और ये कूलर अभी सर्दियां आ जाएंगी तो उसको रख देंगे। ये एक अलमीरा ये है, एक अलमीरा ये है, वो घड़ी है, ये मम्मी ने बनाए हुए सारे है ना, वो परछत्ती है, इसलिए पे बहुत सारा सामान रखा है। ये हीटर रखा है सर्दियों का
और ये इसका बैग था जिसमें ये गंदे कपड़े रख दी थी, इसने ऊपर रख दिया। इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? ये खिड़की लाइट भी उधर रहता तो धूल मिट्टी आ गई उसमें घुस गया। हा 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 हा। और उधर हमारा वाईफाई है तो इस रूम को हम मेकओवर करेंगे बहुत जल्द। खुजली सी हो रही है बहुत ज्यादा एंड तो ये मैं नाइट सूट लेके आई थी सरोजनी मार्केट से 250 रुपए का, और ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो सरोजनी नगर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मतलब टाइम निकाल के जाओ अच्छे तरीके से। और आज मैं गई अपनी सूट की पजामी और चुन्नी लेने, तो इतनी दुकानें सर्च करी कहीं पे भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कलर ही ऐसा। एक्चुअली वो मुझे किसी ने दिल्ली से किसी मेरे फैन ने भेजा था मेरे को, तो उसका मैंने सूट स्टिच करवा लिया था। तो पीछे वो स्पीकर बजा रही थी, कॉपीराइट आ जाता, इतनी मेहनत करते हैं और फिर कॉपीराइट आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, हाँ फिर हमने इतना ढूंढा नहीं मिला। उसके बाद फिर हम ये चमचम ले आए थे और ये ले आए थे अंजीर 400 रुपये की। और उसके बाद फिर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई थी, सिर्फ 10-15 मिनट गई थी, उसको उसका दे के आ गई थी, उसके लिए लेके आई थी। उसको बहुत अच्छा भी लगा, उसको फिटिंग भी आ गया। मुझे डर था कहीं ना आए, क्योंकि हम जब मॉल में जाते तो वहाँ पे ट्रायल रूम्स होते हैं, बट इन सरोजनी मार्केट देर आर नॉट ट्रायल रूम्स। तो मैं वहीं पे है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अंजीर मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को एक तो पथरी है थोड़ी सी, छोटी छोटी है, डॉक्टर कह रहा था टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और पानी ज़्यादा बताया है, तो मतलब पता नहीं क्या हो जाता है यार। मतलब आप सबको तो पता है जब पीरियड्स आते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है और कुछ करने का मन नहीं करता। तो जब मैं दिल्ली से आई थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं सब कुछ करूँगी, टाइम से उठूँगी, टाइम से सोऊँगी, अच्छा खाऊँगी, अच्छा पीऊँगी। अच्छा खा पी रही हूँ बट टाइम से उठ नहीं पा रही ना सो पा रही, तो उस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा है कि ना अब जल्दी हम 75 आवर चैलेंज करेंगे अपने अंदाज में, टाइम से उठेंगे, टाइम से सोएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। और बाकी आप सब पूछ रहे थे कि दीदी अब बीए के बाद आप क्या करोगे, सो आई एम कन्फ्यूज्ड, आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस इंडस्ट्री में घुसना चाहिए या आगे फर्दर स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने 12th के बाद बीए करी तो मुझे लगता है ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, डिग्रियां हैं बस जो कि धरी की धरी रह जाती हैं। कॉलेजेस में हम चाहे कितने मन से कोशिश कर लें, सामने वाला नहीं अच्छे से पढ़ाता भी है तो सिर्फ टाइम पास के लिए। सो आई थिंक मुझे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। इससे अच्छा है जैसे मैंने कोचिंग ली है तो अब मुझे सेल्फ स्टडी करके पेपर देने चाहिए, फॉर्म भरने चाहिए और क्लियर करना चाहिए, और साथ ही साथ अपना वीडियो का प्रोसेस तो चल ही रहा है। क्योंकि ज़िंदगी भर तो मैं वीडियो नहीं बना सकती ना, तो इस चीज़ को तो मैं इनकम सोर्स में काउंट कर ही नहीं सकती। बंदा एक टाइम में कितनी वीडियोज़ बना लेगा, फ़ोन का स्पेस भी भर जाता है, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मैं सोच रही थी कुछ अच्छा इनकम सोर्स हो, और कार वार तो मैं नहीं ले रही, आई एम रियली सॉरी गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि काजल दीदी फटाफट ऐसे पर्दा उखाड़ेगी और कार लेगी, सो नो, मैं कोई कार वार नहीं ले रही, मेरे बस की भी नहीं है, हम छोटे लोग हैं। मेरे लिए सबसे ज़रूरी था घर, वो बन गया, मैं उसमें खुश हूँ। और अब सेकंड चीज़ मेरे लिए सबसे ज़रूरी है मेरी हेल्थ, बस दो चीज़ें थी, घर और हेल्थ। घर बन चुका है, अब हेल्थ, अब मुझे अब हेल्थ पे ध्यान देना है और फिर से सुंदर हो जाना है और थोड़ा सा मोटा भी होना है। बिल्कुल 26 की कमर है मेरी, कहीं कपड़े लेने जाती हूँ तो कपड़े भी नहीं आते, वो तो शुक्र है H&M की कोई चीज़ है और वहाँ पे हमारी वेस्ट के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं गाइस, और बहुत जल्द हम 75 आवर चैलेंज की, अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ, जैसे कल मैं सुबह कश्मीर लेके आई, फिर आज शाम को अंजीर लेके आई, क्योंकि यहाँ गांव में मिले नहीं थे, और ये भी ओरिजिनल भी आते हैं और वैसे भी आते हैं लोकल भी, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी क्वालिटी के खा रहे हो, तो मैं अच्छी क्वालिटी के लेके आई हूँ। और बाकी आपको कैसे पता चलेगा क्वालिटी कैसे है, तो खा के पता चल जाती है ना, जैसे कपड़ों की क्वालिटी पता चल जाती है हमें टच करने से, फील करने से, वैसे ही खाने पीने की चीज़ें भी हमें पता चल जाती है। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को अब एंड करते हैं, और आज मैंने दोनों रूम में झाड़ू की और खिड़कियां साफ की, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो कल भी हम साफ़ सफाई करेंगे। जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो मेरा कौन व्लॉग बनाता है, कोई भी नहीं,
तो कल कोशिश करूंगी कि मम्मी को फोन दे दूं, मम्मी थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर देगी और आप लोगों को दिखा देगी। तो ठीक है, बाय बाय, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। और हाँ, मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी। तो आज मेरे पास आया था एक साउथ सीरियल का ऑफर, तो आप लोग बताओ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं साउथ जैसी लगती हूँ या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई लव यू ऑल, आप सबके बदौलत मुझे घर बैठे बैठे ऑफर आ रहे हैं। आई एम सो लक्की यार, सब कुछ आप सबके लिए है, मतलब आप सबकी वजह से हुआ सब कुछ। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अब हम कोशिश करेंगे डेली व्लॉग्स बनाएं 10-10, 15-15 मिनट के, और उनको एडिट करके डालें। ठीक है, ओके बाय, अब से हम पूरी पूरी मेहनत करेंगे। सो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ यूट्यूब पे लाइक कर कमेंट कर दिया करो यार। मैं कोई करोड़ों रुपये नहीं कमाती यूट्यूब से, अभी मेरा कोई भी इनकम सोर्स नहीं है यूट्यूब से, बहुत कम पैसे आते हैं मेरे, इतने कम आते कि इतने तो मैं उड़ा देती हूँ। और हाँ, अब से मैं ना अच्छी चीज़ों पे पैसे लगाया करूँगी, खाने पीने की चीज़ों पे, ना कि कपड़ों पे या फिर जूतों पे। जूते ले आई मैं एक बार 6,000 के, अब नहीं लेके आऊँगी इतने महंगे, क्योंकि बहुत गालियाँ खाई थी मैंने इन शूज़ के ऊपर। मम्मी बोली दिख भी नहीं रही 6,000 के, ऐसा लग रहा है 200 रुपये के। बट अब मम्मी को क्या पता, पहनने के बाद ऐसा लग रहा है इनको पहना ही नहीं मैंने, इतने कंफर्टेबल, इतने मस्त तरह क्या होता हूँ। तो एक तो जोड़ी होनी चाहिए, जैसे वैष्णो देवी लंबी चढ़ाई होती है, केदारनाथ लंबी चढ़ाई होती है, तो वहाँ जाने के लिए ऐसे शूज़ तो होने चाहिए। ओके बाय, बहुत चपड़ चपड़ कर ली मैंने।